गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो जी हम हो गए हैं नहा धो के रेडी, झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो अभी मैं नहा धो के कर रही हूँ अपने मंदिर को पहले साफ, क्योंकि पूजा करने से पहले जो हमने कल के फूल चढ़ाए हुए होते हैं ना, उनको हटाते हैं और जो भगवान जी के बर्तन होते हैं उनको डेली साफ करते हैं, तभी हम पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं पूजा के बर्तनों को साफ करके आ जाती हूँ। मंदिर हमारा साफ हो गया है। तो बर्तन साफ हो गए हैं। अभी मैं लड्डू को नहला देती हूँ। अभी मैं ना थोड़ा गर्म पानी से हेलो माय नहलाती हूँ। यूट्यूब फैमिली, राधे राधे लड्डू। तो देखिए हमारे लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं, और आज लड्डू का पालना कैसा लग रहा है भाई। पालना भी बहुत ही क्यूट लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको सारा ना फूलों से सजाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ हो गई है। आज का व्लॉग मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ने के बाद शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वो तो डेली का रूटीन आप लोगों ने देखा ही हुआ है। कपड़े ना सूखते नहीं विंटर सीजन में, और आप लोगों को जैसे कि पता है कि भाई मैं हाथ से धोती हूँ, तो मैंने अंदर रूम में बांधी हुई है रस्सी, तो थोड़ी देर धूप में सूख जाते हैं, जो नहीं सूखते हैं फिर उनको मैं अंदर सुखा देती हूँ। और मैं विंटर सीजन में भी ना पंखा चला के सोती हूँ, इससे भी सारे जो गीले कपड़े होते हैं ना वो सूख जाते हैं। पंखा ज़्यादा तेज़ नहीं चलाती, दो ही पॉइंट पे चला के सोती हूँ। मुझे नींद नहीं आती है और ना ही बच्चों को भी नहीं आती। किस किस को इस तरीके से विंटर सीजन में भी पंखा चला के सोने की आदत है बताना मुझे कमेंट में। तो सभी कपड़ों को मैंने कर दिया है अलमीरा में सेट। ये मेरी अलमीरा है और ये है बच्चों की। तो अभी चलते हैं बाकी के काम करने के लिए। जा रही हूँ ये छिलके फेंकने के लिए, चाय पत्ती की हैं, और जो कल मैंने मेथी वगैरह साफ की थी, मटर की थी, उनको फेंकने जा रही हूँ। तो ये जो है गाय भैंस जो होती है वो खा लेंगे, इसमें कोई भी ना झूठन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है तो किसी के पेट में तो पड़ ही जाए, कचरे में फेंकने से तो कोई फायदा होता नहीं है। तो फ्रेंड देखिए उधर जुगनू भी ना अपनी पसंद का देख रहा है, जो जो उसको खाने को लग रहा है कि वो खा सकता है वो खा रहा है। देखिए तो अभी जब ये छिलके वगैरह हैं, ये जो गायें आएंगी ना तब ये वो खा लेंगी। तो सिटी में तो ये होता है कि छिलके वगैरह होते हैं सब्जी, तो देखो सभी मोस्टली बनाते ही हैं। गांव में तो आप ये कर सकते हो कि गाय भैंस रखते हो उनको डाल दी, बट सिटी में क्या होता है ना कि इस तरीके से लोग नहीं करते हैं। उनको ये होता है कि बस कचरे में डाल दिया फेंक दिया। तो ये चीज़ें ऐसी है कि झूठन नहीं है, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में हम लोग मानते हैं कि भाई गाय को झूठा नहीं देना चाहिए। तो हाँ नहीं देना चाहिए मैं मानती हूँ। तो पहली बात तो अपना थोड़ा हिसाब किताब से ही बनाओ, क्योंकि भैया आप सिटी में रह रहे हो गांव में नहीं रह रहे हो। और अगर कभी एक्स्ट्रा बच भी जाता है तो ऐसा नहीं है, कुत्ता बिल्ली तो खा लेते हैं बट गाय नहीं खाती है। जो सब्जियों का ये छिलके वगैरह होते हैं इनको तो गाय खा लेती है, ये झूठन भी नहीं होते। तो इन्हीं कचरे में ना फेंके, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अभी कोई गाय वाय आएगी तो वो खा लेगी। तो आप लोग भी इस चीज़ का हमेशा प्लीज़ ध्यान रखें। अगर आपके आसपास में नहीं है तो मतलब सिटियों में तो अब ऐसा भी हो रहा है कि गाड़ी आती है गौशाला करके ना, ऐसे आती है कि आप जो गाय की रोटी बना रहे हो वो आप उसको उनको दे सकते हो, मतलब वीक में एक बार आता है तो उनको दे सकते हो। तो आप इस तरीके से कर लो, लेकिन इस तरह कचरे में ना फेंके। सो फ्रेंड मेरा वैसे तो सारा काम हो गया है ऑलमोस्ट, बस अभी मुझे करना है ना थोड़ा किचन का सामान जो सेट करना है, राशन का सामान, क्योंकि मैंने अभी दो दिन से किया ही नहीं था। थोड़ी सी तबीयत सी डाउन थी, मन भी नहीं था और मौका भी नहीं लगा सही में मन नहीं था पहले, मेन बात तो ये है। तो मुझे उसको भी सेट करना है क्योंकि वो अभी मुझे यूज़ नहीं होने वाला। कुछ सामान था जो यूज़ किया तो उसको भी मैंने ना रख दिया है बाहर ही, तो फैले कुछ हो उससे पहले मैं उनको रख देती हूँ। कुछ सामान यूज़ हो गया कुछ नहीं हुआ, और बच्चों ने आतंक मचा दिया, मतलब बिस्किट के पैकेट बिल्कुल खाली कर दिए हैं। पाले जी का नहीं खाया अभी, वो एक ही पैकेट ख़त्म हुआ है। चॉकलेट वाले में से सिर्फ ना दो बचे हैं, तो मैंने अब उनको भी अच्छे से थोड़ा सेट करके रख दूँगी। भैया बच्चों को दिखता रहता है तो नहीं मन मानता, वो खा लेते हैं। तो अभी मैं अभी जाती हूँ किचन में, अपनी किचन को सेट करके आती हूँ। अभी आ गए हम किचन में। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद ना मैं सबसे पहले अपना बिस्तर बिस्तर समेटती हूँ, और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो बेडरूम को सेट कर लेती हूँ, मतलब पूरे अच्छे तरीके से। फिर आती हूँ मैं लास्ट में किचन में, क्योंकि मैं तभी दूध लेके आती हूँ। तो इधर मैं दूध रख देती हूँ गर्म करने के लिए, और जो भी सुबह के बर्तन होते हैं उनको भी मांज धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह देखो इतना वक्त नहीं मिलता है। हालांकि मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ किचन में, जब भी थोड़े बहुत भी बर्तन होते हैं ना, मैं हैंड टू हैंड कर लेती हूँ। बट क्या है ना, सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी ऋषिका के डैडी भी नहीं है, वो थोड़ा अपना ऑफिस के काम से थोड़ा बाहर गए हुए हैं, इस वजह से ये ड्यूटी फिर से मेरे ऊपर ही आ गई। तो स्कूल से आने के बाद मैं सारे बर्तन बर्तन को समेट लेती हूँ, और फिर तो इतने में मेरा ना जो गाय का दूध है वो भी गर्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा अपनी किचन को साफ करती हूँ। आज मैंने बच्चों के नाश्ते में बनाए थे जैम वाले ब्रेड,
प्रिया को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो जिद कर रहा था। तो ब्रेड का पैकेट मैंने खोल लिया था, तो मैंने सोचा कि रेसिपी भी बना लूँगी, तो मैं दूसरे चैनल के लिए अपनी वीडियो की तैयारी कर ले रही हूँ पहले से, फिर मैं बनाऊँगी बाद में, लेकिन पहले मैं जो राशन का सामान था उसको सेट कर ले रही हूँ। तो इसमें से कुछ सामान ऐसा था जो मैंने निकाल लिया था, चीनी को भी मैंने ना थोड़ा सा निकाल लिया था क्योंकि ज़रूरत पड़ रही थी, ख़त्म हो गया था जो मेरा डेली के डिब्बे हैं ना उसमें ख़त्म हो गए थे, ये स्टॉक वाला है तो इसमें मैं भर के रख देती हूँ। बाकी सारा सामान भी था जैसे चाय पत्ती थी वो भी मैंने अपने डेली वाले डिब्बे में रख के दी थी और उसको मैंने पैकेट कर दिया था। देखो दो ही बिस्किट के पैकेट बचे हैं, बाकी सब खा लिया और डिब्बे भी फ़िलहाल पूरे पूरे भरे हुए हैं, लेकिन एडजस्ट तो करना ही है क्योंकि बच्चों के साथ में और गृहस्थी के साथ में बहुत सारे सामान ऐसे हो जाते हैं जो चाहिए ही चाहिए। और देखो स्टॉक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे राशन मेरा हो गया है सेट। तो जी विंटर सीजन चल रहा है और अभी गन्ने भी आ रहे हैं, तो मुझे गन्ना खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप में से किसको पसंद है बताना ज़रूर, सच में बहुत रस है इसमें। एक चीज़ और, जब गन्ना खाता है ना बहुत से लोगों को गन्ना पसंद है लेकिन खाते हैं ना तो ये साइड से छिल जाते हैं, है ना, मेरे साथ भी ऐसा होता है लेकिन मैं अपना अंदाजे से खाती हूँ। लेकिन जब बड़े घर में खाते हैं तो बच्चों का भी मन करता है खाने का। और जो बच्चों की स्किन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो आप एक तरीके से अपने बच्चों को गन्ना खिला सकते हो, उनकी स्किन भी नहीं कटेगी और वो गन्ना भी खा सकेंगे। जैसे मैं खाती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ, तो पहले मैं खा लेती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाती हूँ। आपको भी खाना है तो आ जाओ। मुझे बहुत पसंद है तो गन्ने का जूस भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गन्ने को जो चूसने का जो मजा है ना अलग ही है, बहुत अच्छा लगता है। वो भी मेरा मन है कि मैं गन्ने की खेती देखूं क्योंकि मैंने आज तक ना गन्ने की खेती भी नहीं देखी है। आप भी ये ट्रिक जरूर ट्राई करना। तो जैसे कि मैंने बताया तो ऐसे ना गन्ने को पहले तो हम छील लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कोई दराती या पैनी कोई वैसी चीज़ नहीं है, तो मेरे पास ये चक्कू ही है, तो मैं इससे अपने पहले छील लेती हूँ फिर चक्कू से काट लेती हूँ। डायरेक्ट मैं पानी में डालती हूँ ताकि देखो झूठा तो हो ही जाता है, तो मैं बच्चों को झूठा नहीं देती हूँ अपना बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपके पास में गाँव में होता है या सिटी में कोई पैनी चीज़ होती है ना जैसे पैना वाला चक्कू होता है उससे काट लीजिएगा, बट सावधानी से। तो मैं तो ऐसे कर लेती हूँ, अपने बच्चों को दे देती हूँ। जब मैं खा रही हूँ चीज़ें तो बच्चे तो पहले ही हैं मुझसे, तो बच्चों को भी देना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे गन्ना, तो जब मैं लेके आई तो बच्चों को भी देना था, उनको कैसे छोड़ दूँ, तो मैं इस तरीके से करके ना बच्चों को दे देती हूँ गन्ना। सो फ्रेंड्स 12:30 हो गए हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी रेसिपी दूसरे चैनल के लिए, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल के लिए कोई भी रेसिपी अभी बची नहीं है, तो ये बच्चों के लिए भी न्यू डिश हो जाएगी और मेरे चैनल के लिए भी एक नई डिश बनके तैयार हो जाएगी। तो डिश बनके हमारी तैयार है, इसका वीडियो मैं दूसरे चैनल पर कल ही डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। तो बच्चे आ गए स्कूल से, चेंज हो गया है, अब खाएंगे वो अपनी टेस्टी सी डिश। खा के बताओ कैसी है, खा के तो बताओ पहले कैसी बनी है। हाँ खा के देखो क्या है। ठीक है खा के देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये क्या है, कैसी है। इसमें तो हरी का टेस्ट आ रहा है, अच्छी लग रही है बाबू। आई 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 मौज आ गई। और ऐसा और नहीं है, बस आज के लिए इतना ही, बाद में बना दूंगी। ठीक है ठीक है। देखो खोल के पसंद है, मीठा छिलके प्लेट में रख देना ठीक है। आ यार तो मौज आ गई। और क्या, पूरा छिलका थोड़ी खाते हैं छिलका, हाँ ऐसे ना प्लेट में करके रख दो। आप भी ऐसे ही अपने बच्चों को दे सकते हो, बच्चे भी फुल एंजॉय करते हैं, अच्छे भी लगते हैं। अच्छे से अच्छा अच्छे से चूसो ठीक है ना।